पोस्ट थी प्रशासन लगातार खेती क्रम बढ़ता गया और आज बढ़ते बढ़ते 1500 पोस्ट का लक्ष्य नहीं मिला हुआ, लेकिन प्रशासन ओए रुकिए एक मिनट रुकिए, यहाँ स्टाफ के नाम पे केवल और केवल अधिकारी काम कर रहा है, स्टाफ है ही नहीं, काम करता ही नहीं है, केवल अधिकारी यहाँ काम कर रहा है, स्टाफ काम है। क्यों ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? इलेक्ट्रिकल यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे जीरो है, यहाँ पे 3-4 ऐसे केस हो चुके हैं जो मेडिकल के अभाव में डेथ हो चुकी है उनकी। प्रशासन के कान में जू नहीं लग रहा, प्रशासन ने हॉस्पिटल को प्राइवेट के हवाले करने के मंशा बना लिया है और हो सकता है कुछ दिनों में आगे हो जाए। और इलेक्ट्रिकल यहाँ काम का इतना दबाव इलेक्ट्रिकल विभाग में कि जब से फैक्ट्री बनी 139 का फैक्ट्री का डर था हमारा इलेक्ट्रिकल विभाग का, जब फैक्ट्री की नींव रखी गई थी, आज तक काम बढ़ते बढ़ते 1500 कोच हम लोग बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद भी प्रशासन ने आज तक इलेक्ट्रिकल में एक भी आदमी बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं दी और न बढ़ाना चाहता। केवल अधिकारी बढ़ रहा है, स्टाफ से ज्यादा यहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पे यहाँ पे ठेकेदारों को दिया जा रहा है, टाटा जैसी फर्म की इंतजार हो चुकी है। आज क्या हुआ है? आज जो उसको 3 बजे पे फर्स्ट एड दिया गया, उसको लगभग यहाँ से 7 बजे के आसपास लखनऊ रिफर किया गया, लखनऊ एम्बुलेंस से भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या होने के बाद भी पेशेंट के साथ में डॉक्टर लखनऊ नहीं गया और लखनऊ पहुंचने के बाद में वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग क्या करेंगे? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि यहाँ पे सुविधाएं हॉस्पिटल जैसी, यहाँ पे हमें अपना मकान और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं तो कम से कम मुहैया करा दे। हमारे साहब का कहना है कि फैक्ट्री का नाम जो है अमेरिका, जापान तक या चीन की कंपनियों से हम जो है आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्या हमारा स्टाफ मेडिकल के भाव में मरेगा? क्या हमारी दवाइयाँ नहीं मिलेंगी?